सभी साथियों को सादर प्रणाम। साथियों, आज हम अवेयरनेस ऑफ लेटेस्ट लेबर लॉज की सीरीज के तहत 10वीं सीरीज बना रहे हैं और जिसका विषय है कि जो आज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मुख्य नियोक्ता है, वह अपने यहाँ रखे हुए सभी ठेकेदारों, संविदाकारों और जितने भी थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो आउटसोर्स के किसी भी माध्यम के द्वारा आए हैं, उनकी भी प्रोविडेंट फंड कंप्लायंस देख सकता है। उसके लिए प्रोविडेंट फंड या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अभी 1 फरवरी 2021 को अपना सर्कुलर नंबर 116, बल्कि यूं कहूं मैं C1001 (1/16) 2020-21 ABRY1179, जिसका दिनांक है 1/2/2021, वह जारी किया है। और उसमें सारे जितने भी कंपनी में काम करने वाले हैं, उसकी जिम्मेवारी प्रमुख नियोक्ता की पहले से ही थी कि भविष्य निधि का अंशदान वह अपने सभी ठेकेदारों से समय पर जमा करवाए। अब उसके लिए उन्होंने एक नया पोर्टल बनाकर उसको यह सुविधा भी उपलब्ध करा दी है कि वह उनको देख सके, मॉनिटर कर सके। आज वर्तमान में कोई भी एम्प्लॉयर 3 तरह से काम कर रहा है। एक तो वह डायरेक्ट एम्प्लॉय रखता है, नंबर 2 वह इनडायरेक्ट एम्प्लॉय रखता है, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज में भी वो 2 तरह के वर्कर या एम्प्लॉय रखता है। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रखता है और एक जो बड़ी बड़ी थर्ड पार्टी के थ्रू वह रखता है। तो यह कुल मिलाकर के 3 स्थिति बनी हुई है। और यदि मुख्यतः देखें तो 2 ही स्थितियां, एक तो उसके सीधे उसके अपने कर्मचारी जिनका नियोक्ता और प्रमुख नियोक्ता वही है, और दूसरा उनका वह नियोक्ता नहीं है, उनका नियोक्ता कोई और है लेकिन उनका प्रमुख नियोक्ता वह है। किंतु भविष्य निधि संगठन में सारी जिम्मेवारी मुख्य नियोक्ता की है। और वर्तमान में 3 तरह के आज के केस बनते हैं, जैसे एक तो रजिस्टर्ड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर, जो वर्तमान में लगभग 80% 90% यही काम है कि कॉन्ट्रैक्टर का भी प्रोविडेंट फंड में, भविष्य निधि संगठन में अपना रजिस्ट्रेशन है और प्रमुख नियोक्ता का भी है। एक स्थिति यह भी बनती है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नॉन रजिस्टर्ड है लेकिन संविदाकार या थर्ड पार्टी वह रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है। इस केस में बहुत सारे संगठन आते हैं, जैसे रेलवे है, CPWD है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये PF में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि इनके अलग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। किंतु जब ये किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर या किसी संविदाकार के थ्रू कोई काम कराते हैं तो उनका भविष्य निधि संगठन में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तीसरी कैटेगरी आती है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसके पास नंबर बहुत थोड़े हैं, वह अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज देते हैं। तो इन तीनों दशाओं में ही जिम्मेवारी अब प्रमुख नियोक्ता की, डायरेक्ट एम्प्लॉयर की, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी कर दी है। उसके लिए यह सर्कुलर निकाला है, आप इसका नंबर देख सकते हैं C1-011 (1/16) 2020-21 ABRY1179 dated 1 February 2021। और इसका सब्जेक्ट भी यह है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी एट एम्प्लॉयर्स इंटरफेस ऑफ EPFO's यूनिफाइड पोर्टल फॉर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू व्यू EPF कंप्लायंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स। अब इसकी प्रमुख 3 क्लॉजेज हैं जिन पर हमको ध्यान देना है। सबसे पहली क्लॉज है कि यदि EPFO में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में,
दोनों ही रजिस्टर्ड हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह अपने यहाँ उनको अपने पोर्टल में उनका नंबर डाल सकता है, उनके ठेकेदार का नाम डाल सकता है, उनका UAN डाल सकता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालकर वह उनको इलेक्ट्रॉनिकली चालान और रिटर्न सबमिट करा सकता है, उसको देख सकता है। और उनको देखने के बाद ही उनका चाहे तो वह डिसबर्समेंट करने की व्यवस्था अपने कॉन्ट्रैक्ट में कर सकता है या कुछ और व्यवस्थाएं कर सकता है। दूसरी फैसिलिटी है कि ऑन एडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एम्प्लॉयज डिटेल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन व्यू देयर लॉगिन टू एम्प्लॉयज रिमिटेंस मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर थ्रू ECR फॉर एनी वेज मंथ ड्यूरिंग द टेनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ECR का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न। तो कभी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने यहाँ काम कर रहे थर्ड पार्टी या किसी भी संविदाकार का, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय का, किसी भी महीने का कंट्रीब्यूशन देख सकता है कि उसको उसने कितनी तनख्वाह दी और उस पर कितना प्रोविडेंट फंड काट करके उसका अंशदान जमा कराया, तो वह देख सकता है। यह सुविधा उन्होंने अपने पोर्टल में जारी कर दी है। यथे मेरे सभी प्रमुख नियोक्ताओं से निवेदन है कि वह इस सर्कुलर का ध्यान कर अपने यहाँ इस कंप्लायंस को बढ़ाएं, अन्यथा भविष्य में जो कंप्लायंस का सेक्शन है सेक्शन 8A, इसमें सारी जिम्मेदारी पैरा 30 और 32 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत और पैरा 36B एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत पूरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर डाल दी गई है। और यदि हम इन सब को देखें तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वह अब बाध्य हो गया है कि हर महीने टाइम से जमा कर वह अपने एम्प्लॉयर को दिखाए, और अपने एम्प्लॉयर को, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक हो गया है कि जब तक उनका प्रोविडेंट फंड जमा ना हो तब तक वह कंप्लायंस कराकर अपने एम्प्लॉयर को या थर्ड पार्टी को फ्री ना करे। अब उसकी व्यवस्था वह अपने कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में कैसे करेगा यह उस पर निर्भर करता है। नंबर तीसरी स्थिति आती है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन व्यू वेदर द एम्प्लॉयर शेयर उसने जो आपसे लिया है और जो उसको जमा करना था वो भी जमा किया है या नहीं किया है। अतः अब सब चीजों में ओपननेस बहुत ज्यादा आ गई है और यह कोई नहीं कह सकता कि मेरे को उसने गलत बताया, मेरे को उसने गलत दिखाया। पहले क्या होता था कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर फर्जी चालान बनाकर उन पर स्टैंप लगाकर एम्प्लॉयर के यहाँ जमा कर देते और एम्प्लॉय को या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का PF का पैसा जमा नहीं करते थे। ऐसे मैंने अपने 32 साल के या 35 साल के अनुभव में बहुत सारे केसेस देखे हैं। अतः अब सभी प्रिंसिपल मुख्य नियोक्ताओं से, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से मेरा निवेदन है कि वह इन ऑर्डर की कंप्लायंस कर, और जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नया पोर्टल बनाकर उसमें यह सुविधा दी है उसका लाभ उठाकर अपने यहाँ सुनिश्चित करें ताकि एम्प्लॉय का भी भला हो और बाद में कोई अंशदान से संबंधित आपत्ति ना तो कर्मकार को हो और ना ही मुख्य नियोक्ता को हो। आज की इस जानकारी में इतना ही। यदि आपको कोई और जानकारी हमसे चाहिए तो आप हमें अवश्य लिखें। हम जब भी कोई नई जानकारी हम तक आती है उसकी जानकारी पूर्ण खोलकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमें अवश्य लिखें। आज के इस वीडियो में इतना ही और हम इंतजार करेंगे कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से और मेरे संगठन की ओर से, VK डायनेमिक लीडरशिप सेंटर नोएडा की ओर से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।